अमन, 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 अमन उठो। अमन आंखें खोलो। अमन देखो मैं आ गई हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं ठीक हूँ। अमन आंखें खोलो प्लीज, मैं ठीक हूँ। अमन ये कुछ बोलता क्यों नहीं है, इसे कहो ना कि मैं आ गई हूँ। अमन प्लीज, अमन प्लीज, अमन देखो मैं आ गई हूँ। तुम्हें कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूंगा। डॉक्टर अंकल, अमन को क्या हुआ है? वो कुछ कहता क्यों नहीं है? ऐसे क्यों लेटा है? डॉक्टर अंकल, इसे कहिए कि मैं आ गई हूँ। अब सब ठीक हो जाएगा। इसे कहिए कि मुझसे बात करे। प्लीज डॉक्टर अंकल, उठाइए ना इसे। प्लीज, आप कुछ करते क्यों नहीं है? डॉक्टर अंकल प्लीज कुछ कीजिए ना। बेटा अपने आप को संभालो, मैंने इसे इंजेक्शन दे दिया, सो रहा है बेचारा, नींद में है। अरे पगली, इतना क्यों रो रही है? वो भी तो तेरा अपना घर है। मैं जानता हूं तू अपने भैया से बहुत प्यार करती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि शादी के बाद मैं तुझसे मिल नहीं सकता। अरे वहां तो तुझे मम्मी पापा वेदांत सबका प्यार मिलेगा, बल्कि मैं तो कहता हूं कि आज से तेरे दो दो घर होंगे। एक घर तेरा मायका जो तेरे भैया का घर है, और एक तेरी ससुराल जो वेदांत का घर है। अब देख, अब भी अगर तू चुप नहीं हुई ना तो मैं भी रो पड़ूंगा। तू चाहती है कि मैं रो? अंदर से आ गई और शांति से बैठ गई। माजरा क्या है? कैसी है हमारी बहू? बहुत अच्छी। क्या हुआ भाभी, आप इतनी जल्दी आ गई? अरे भाई साहब, कुछ भी तो नहीं, दोनों भाई बहन सरगम और अविनाश ऐसे मौके पे थोड़ा भावुक हो ही जाते हैं, मैंने उन्हें डिस्टर्ब नहीं किया। इसका मतलब सरगम आ गई क्या? Thank God, अभी तो बच गए, लेकिन अगर अब भी सरगम नहीं आई ना तो पापा की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। हाँ, पता नहीं कहाँ रह गई, अब तक तो उसे आ जाना चाहिए था। क्या करूं? अब आप ही कुछ कीजिए, अब आप ही का सहारा है। अगर अमन को कुछ हो गया ना, मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। अमन प्लीज। विशाल। अमन। सरगम।